वापस लौटकर अयोध्या आई। हनुमान 2400 घंटे महल में ही होते थे प्रभु की सेवा में मां के साथ। हनुमान रोज एक बात महसूस करते हमेशा कि मां रोज सुबह सुबह सज धज कर तैयार होती। सजना धजना तक तो ठीक था, लेकिन एक चीज जो हमेशा हनुमान को परेशान करती हमेशा, वो चीज ये कि यार मां जब पूरी तरह सज धज जाती है प्रभु के लिए, उसके बाद अंत में अपने सर में इतना सा लाल रंग लगाती है, इतना सा। हनुमान को परेशानी ये कि ये रंग का चक्कर क्या है, मां लगाती क्यों है और इसे सर में लगाने से होता क्या है। एक दिन, दो दिन, चार दिन, महीने, दो महीने, छह महीने, एक दिन जब हनुमान से रहा नहीं गया तो हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा कि मां आपका बेटा आपसे कुछ सवाल करना चाहता है, मेरे मन में एक संशय है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं। मां ने कहा बेटा पूछ। हनुमान ने कहा मां एक बात बता, आप मेरे प्रभु के लिए रोज तैयार होती हैं ये बात तो समझ में आता है, सस्ती धस्ती हैं, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती, ये सब कुछ करने के बाद अंत में आप अपने सर में ये इतना सा लाल रंग क्यों लगाती हैं, ये रंग का चक्कर मेरे समझ में नहीं आया, है क्या चीज। अब सीता ने मन ही मन में सोचा, बोले ये ठहरा बाल ब्रह्मचारी, अगर इसे डिटेल में जाकर समझाऊंगी तो इसे समझ में नहीं आएगा। तो सीता ने टालने वाले अंदाज में हनुमान को क्या कहा, टालने वाले अंदाज में, बोले हनुमान दरअसल बात यह है कि ये लाल रंग में इसलिए लगाती हूं कि मेरे सर में जब जब तेरे राम ये लाल रंग देखते हैं ना, क्योंकि जब वो मुझे देखते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ती है, और चेहरे पर पड़ती है तो सबसे पहली नजर उनकी मेरे सर पर आती है, और जब जब वो मेरे सर में वो ये लाल रंग देखते हैं उनकी खुशी हजार गुना बढ़ जाती है मुझे देखकर। हनुमान जय हो, पहला कारण। और दूसरा कारण, इनको बिठा दीजिए ना, पांच मिनट अगर बैठ सके, पांच मिनट सिर्फ, ये एक भजन सुनकर जाइए, एक भजन सिर्फ, ये सीता मां का भजन है, मेरी प्रार्थना है। पहला कारण ये कि प्रभु खुश होते हैं, दूसरा कारण क्या है कि हनुमान इस रंग को लगाने से तेरे राम की उम्र बढ़ती है, सबसे बड़ा कारण। जैसे ही मां के मुंह से यह सुना कि इसे लगाने से तेरे राम की उम्र बढ़ती है, हनुमान 15 मिनट के लिए गायब हो गए राजमहल से, और जब 15 मिनट बाद वापस लौटे तो जो हनुमान अच्छे खासे गोरे चिट्ठे थे वो हनुमान पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक लालम लाल। हनुमान को देखा मां सीता ने भागना शुरू कर दिया महल के अंदर, बोले कोई राक्षस आ गया महल में। मां सीता आगे आगे और हनुमान पीछे पीछे, हनुमान मां मैं हूं, मां मैं हूं, अरे मां मैं हूं आपका बेटा। अंत में सीता रुकी, बोले कौन है। जब गौर से देखा तो हनुमान। मां ने कहा बोले ये क्या हाल बना रखा है, गया था तब तो अच्छा खासा था पूरा लाल। हनुमान ने कहा मां आपने तो कहा कि इस रंग को देखकर तेरे प्रभु खुश होते हैं, और जिस चीज को देखकर राम खुश होते हो वो चीज हनुमान ग्रहण ना करे ये कभी हो ही नहीं सकता। जी और दूसरा कारण, आपने कहा कि इस रंग को लगाने से तेरे प्रभु की उम्र बढ़ती है। हनुमान ने कहा मां बुरा मत मानना, लेकिन आप मेरे प्रभु को इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार मैं करता हूं। जिस चीज से राम की उम्र बढ़ती हो वो चीज आप इतनी सी लगाती हैं, इतनी सी। मुझे देखो, जिस चीज से मेरे राम की उम्र बढ़ती हो वो चीज मैंने इतनी नहीं, उस चीज से आज हनुमान नहा कर आया है, और अब ये मेरा विश्वास है कि अब मौत तो क्या, स्वयं काल भी धरती पर उतर कर आ जाए तो मेरे होते हुए मेरे राम को छू भी नहीं सकता। जय हो। सीता दौड़ती हुई गई राम के पास, उसने कहा जाकर, बोले प्रभु आपका बेटा पागल हो गया, आपका बेटा पागल हो गया, संभाल लो। राम ने कहा हुआ क्या, बोले मैं क्या बताऊंगी, खुद ही चलकर देखो। इतने में हनुमान आ गए, हनुमान को देखा तो राम भी पीछे हो गए, बोले ये कौन आ गया। गौर से देखा तो हनुमान, राम ने कहा ये क्या है। अब सुनिएगा प्रेमियों इस भजन को, एक एक शब्द इस भजन का, राम ने क्या कहा, हनुमान ने क्या कहा, और उसके बाद हनुमान को वरदान क्या दिया मेरे राम ने इस लाल रंग का, सिंदूर का महत्व क्या है वो समझिएगा। ताजी बोली राम जी कमाल हो गया। आहा। क्या कहा के प्रभु। सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया, सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया। क्या
बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। आज कौन कौन हनुमान और राम के नाम की ताली बजाकर अपने हाथ लाल करेगा? आज कर लो, कसम खाकर कहता हूँ, बाकी रंग उतर जाएंगे, ये नहीं उतरेगा। दोनों हाथ उठा दो बिल्कुल सीधे और झूम कर कहो, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया, सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया, सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया, सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया। बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। राम ने हंसते हुए कहा, चल तूने लाल रंग लगा लिया कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताइए, लाल रंग का चक्कर क्या है? ताली बजाओ ना। क्या कहा राम ने? ऐसा है क्या खास इस रंग में, ऐसा है क्या खास इस रंग में, वो रंग डाला खुद को जो लाल रंग में, रंग डाला खुद को जो लाल रंग में, ऐसा है क्या खास इस रंग में, ऐसा है क्या खास इस रंग में, रंग डाला खुद को जो लाल रंग में, रंग डाला खुद को जो लाल रंग में। कारण बताओ, कारण बताओ ऐसा क्यों हाल हो गया, कारण बताओ ऐसा क्यों हाल हो गया। बजरंगी लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, कारण बताओ ऐसा क्यों हाल हो गया, कारण बताओ ऐसा क्यों हाल हो गया। बजरंगी लाल लाल मेरा लाल लाल हो गया। एक बार दोनों हाथ उठाओ, कौन कौन सिंदूर चढ़ाएगा आज मेरे बाबा को? सिंदूर और चोला, ये दोनों हाथ उठाकर, वन टू थ्री फोर, राम ने जब कारण पूछा कि लाल क्यों हुआ, तो हनुमान ने बड़े भोले भले से कहा, बोले प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सारा किया धरा मां का है। ताली बजाओ ना, सुनना। बोले मैंने कुछ नहीं किया, सारा किया धरा मां का है। अब जैसे ही राम ने सीता की ओर देखा, सीता दो कदम पीछे, बोले मैंने क्या किया? बोले सब आप ही ने किया, मैंने आपसे क्या पूछा कि आप लाल रंग क्यों लगाती? आपने जवाब क्या दिया? ईमानदारी से बताओ, प्रभु के सामने झूठ मत बोलना। सीता ने कहा, बोले मैंने यही कहा कि इस रंग को देखकर राम खुश होते हैं। बोले ठीक है, दूसरी बात क्या कही? सीता ने कहा, दूसरी बात यह कही कि इस रंग को लगाने से तेरे प्रभु की उम्र बढ़ती है। हनुमान ने राम की ओर देखकर कहा कि प्रभु एक बात बताओ, जिस चीज को लगाने से आप खुश होते हो और जिस चीज को लगाने से राम की उम्र बढ़ती हो, अगर वो चीज हनुमान ग्रहण ना करे तो धिक्कार है हनुमान पर और धिक्कार है हनुमान की भक्ति पर। जय हो! ताली बजाओ ना। हनुमान ने राम के कान के नजदीक जाकर कहा, बोले प्रभु एक बात सुनो। राम ने कहा, क्या? बोले मां भी आपसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं करता हूं। जय हो।
माँ आपसे उतना प्यार नहीं करती। राम ने कहा ये तू कैसे कह सकता है। बोले देखो जिस रंग को लगाने से आपकी उम्र बढ़ती है, माँ ने कितना सा लगाया है, कितना सा, इतना सा। बोले फिर हनुमान ने कहा, बोले मुझे देखो ना, ताली बजाओ। बोले मुझे देखो, प्रेम वो नहीं, प्रेम तो मैं करता हूं आपसे। इतना सा लगाने से जब संकट आपके नजदीक नहीं आ सकता, आज तो आपका बेटा पूरा नहा कर आ गया, अब तो संकट आपको छू भी नहीं सकता, ये पक्की बात है। क्या कहा हनुमान ने सुनना कि प्रभु लगता है ये रंग प्यारा तुम्हें, लगता है ये रंग प्यारा तुम्हें, मैया ने बतलाया भेद ये हमें, मैया ने बतलाया भेद ये हमें, लगता है ये रंग प्यारा तुम्हें, लगता है ये रंग प्यारा तुम्हें, मैया ने बतलाया भेद ये हमें, मैया ने बतलाया भेद ये हमें, इस रंग को लगा के मैं निहाल हो गया, इस रंग को लगा के मैं निहाल हो गया, बजरंग लाल मेरा लाल हो गया, बजरंग लाल मेरा लाल लाल हो गया, इस रंग को लगा के मैं निहाल हो गया, रंग को लगा के मैं निहाल हो गया, बजरंग लाल मेरा बजरंग लाल मेरा लाल लाल हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ताली बजाओ, बजाओ भाई। ओ भैया स्टेज से नीचे आकर नाचिए प्लीज, स्टेज पर नहीं, आइए प्लीज बजाओ। राम ने जब हनुमान की बात सुनी, राम की आंखों में आंसू आ गए। राम ने रोते हुए सीता की ओर देखकर कहा, बोले सीता आज एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, और इस बात से शायद तू भी इत्तेफाक रखेगी, मानेगी इस बात को कि पेट से पैदा किया हुआ बेटा भी वो नहीं कर सकता जो तेरे और तेरे राम के लिए हनुमान ने किया है। ताली बजाओ ना। अगर हनुमान की जगह मेरा अपना बेटा भी होता तो शायद वो भी आज ये काम नहीं करता जो इसने किया है मेरे लिए। राम ने रोते हुए कहा कि हनुमान तूने मेरे लिए अपने आप को लाल किया है ना, मेरे लिए अपने आप को सिंदूर से नहलाया है, तो जा आज ये राम भी तुझे एक वरदान देता है। एक वरदान कौन सा? सिंदूरी चोला चढ़ाएगा जो, सिंदूरी चोला चढ़ाएगा जो, जीवन में मौज उड़ाएगा वो, जीवन में मौज उड़ाएगा वो, सिंदूरी चोला चढ़ाएगा जो, सिंदूरी चोला चढ़ाएगा जो, जीवन में मौज उड़ाएगा वो, जीवन में मौज उड़ाएगा वो, चोला चढ़ा के, चोला चढ़ा के मोहित माला माल हो गया, चोला चढ़ा के मोहित माला माल हो गया, बजरंग लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंग लाल मेरा लाल लाल हो गया, चोला चढ़ा के मोहित माला माल हो गया, चोला चढ़ा के भक्त माला माल हो गया, बजरंग लाल जय जय लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंग 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 लाल मेरा लाल लाल हो गया।
सांचे दरबार की।